मुझे अभी अभी बेचे छू। जस्ट आई विन इलेक्शन ओल्ड लाइफ बैक। बहुत दिनों से आपने बॉलीवुड में कोई ऐसी फिल्म नहीं देखी होगी, फुल टॉस एंटरटेनमेंट। कब तक इसे अपने लंगोट से बांध के रखेगा, एक ना एक दिन तो चील चूजे को उड़ा के ले जाएगी। कांग्रेस सरदार जी, आप फिर से चाचा बन गए। आपके घर गॉड का नया गिफ्ट पैदा हुआ है। बहुत दिनों से आपने बॉलीवुड में कोई ऐसी फिल्म नहीं देखी होगी जो पूरी तरह से मनोरंजन का काम करे, यानी कि फुल ऑन कॉमेडी और फैमिली परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ, माँ के साथ, पिताजी के साथ में और अपनी पत्नी या किसी के साथ भी बैठ के पारिवारिक फिल्म जिसे कह सकते हैं फुल ऑन कॉमेडी। फिल्म का मतलब होता है फुल टॉस एंटरटेनमेंट। तो मैं आपको जानकारी देता हूँ कि फुकरे 3 एक ऐसी फिल्म है जो कि आप अपने परिवार के साथ बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते, कोई भी डबल मीनिंग टॉक नहीं है और बड़ी ही अच्छी कॉमेडी फिल्म है ये। ये पहले भी दो बार आ चुकी है जिसमें बड़ी ही खूबसूरती के साथ एक कैरेक्टर को गढ़ा गया है। आप उसे ईश्वर की सुपर पावर कहें या आप उसे सुपर हीरो कहें फिल्म का, कि वो एक सपना देखता है जो सच हो जाता है, और कैसे उसको लोग खिलाते हैं पिलाते हैं और उसे एक सपना देखने के लिए मजबूर करते हैं कि वो देखेगा और उनकी लॉटरी लगेगी। खैर, दोनों पार्टों में हमें अलग अलग तरीके का कहानी देखने को मिली और इस बार कहानी कुछ इतर है, कुछ अलग है, कि उन्होंने जो दिल्ली है, दिल्ली में राजनीतिक जो पॉलिटिक्स है उसके साथ में उससे कैसे बचना है और कैसे बचाना है वो पोर्ट्रे किया गया है। जो फीमेल लीड कैरेक्टर है ऋचा चड्ढा, जो कि भोली पंजाबी का किरदार निभा रही हैं, और हमारे जो चूचा हैं भोले भाले, जो कहीं ना कहीं अंदर मन में उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो कैसे उनके सामने आके इलेक्शन को फाइट करते हैं, लड़ते हैं, ये इस फिल्म का कहानी का बेस है कि दिल्ली को इस ऐसी पॉलिटिक्स से बचाना है तो इसको खड़ा कर दिया जाए। खैर, तो कुल मिलाकर फिल्म फ्रेश कॉमेडी है और ह्यूमर है, कोई भी बोरिंग कहीं आप नहीं समझोगे। हर सीन के बाद हर डायलॉग आपको एक फ्रेश और एक नया ह्यूमर पैदा करता है। पंकज जी जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो कुछ कमाल कर जाते हैं अपने एक ही डायलॉग में। कुल मिलाकर 2.5 घंटे का फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। सभी एक्टर ने कमाल और बढ़िया काम किया है और ये भी हो सकता है कि ये साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हो जाए। फिल्म में एज यूजल ऋचा चड्ढा हैं, पुलकित सागर हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, वरुण शर्मा हैं और बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिलेंगे, और तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को ज़रूर देखने जाना चाहिए।